नाज़रीन एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं हमारी तरफ से, हमारे तमाम पैनलिस्ट की तरफ से आपको बकरा ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद है कि शहर भर में जो भी इंतजाम किए गए हैं उनसे आप मुतमईन हो। अब हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही दिलचस्प सा सेगमेंट लेकर आए हैं जिसको सुन के हमारे हाजरीन जो हैं वो भी थोड़े से घबरा जाएंगे, लेकिन आपको देखने में बहुत मजा आएगा, ये हमारी गारंटी है। घबराहट को हम एंजॉय करेंगे और सेगमेंट ये है कि हम कुछ गाने प्ले करेंगे, म्यूजिक प्ले करेंगे, आपको ये गेस करना होगा कि वो कौन सा गाना है। सही है, सबसे पहले तो हम मेयर साहब से, तो प्ले करिएगा जी पहला सॉन्ग कौन सा है हमारे पास। बिल्कुल रोमांटिक सा गाना लगाएं, ये क्या लगा दिया? ये बहुत रोमांटिक अच्छा गाना है ये मैंने कोशिश की है मगर नहीं प्लेस कर सके। नहीं प्लेस कर सके, हमारा तो प्लान ये था कि अगर आप गाना गेस करते तो हम आपसे गुनगुनवाते भी। कौन कौन बनाए बताएगा, किसको पता चल गया उसको हम बारबेक्यू खिलाएंगे और पान भी हमारे पास रेडी है और बारबेक्यू फ्यूंजे भी खा लेना है। चले जी नेक्स्ट गाना प्ले करते हैं। बंद करें इमरान साहब। ये तो 97 में फिल्म पिक्चराइज हुई थी टाइटैनिक, बेहतरीन, ये हमने देखी थी। अच्छा अच्छा, अब गाएं तो सही ना? गाना नहीं कभी इस तरह से हमने गाया, गाना बताइए, बोल दे वो एक जो उनके इमोशन थे वो जेल में आए। मैंने आपको फिल्म का नाम बता दिया, पता नहीं मुझे ये। तो आप गा के सुना सकते हैं? नहीं तो आप बता तो सकते हैं ना कौन सा गाना था? दो पुराने जमाने की माई नहीं गांदे कोई कर दे नहीं होना, ये नहीं होना। वो ये है कि ये चूंकि काफी ज्यादा हिट हुई थी फिल्म, याद है बोलो दागी वो कर दे। मैं बता रहा हूँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं मगर किसी और को आते हैं। मेरे साहब को टाइटैनिक का गाना बहुत मशहूर हुआ, एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स। चलिए ठीक है, किसी को भी नहीं आया। नाज़रीन आपने देखा कि किस कदर हम एंजॉय कर रहे हैं, इसी सेगमेंट को अब आगे बढ़ाएंगे। तो सुल्तान अब किसकी बारी है? बिल्कुल, अब हम बात करेंगे हाजी साहब से, ये गेस करेंगे कौन सा गाना है। गाना प्ले किया जाए हाजी साहब को, देखते हैं कि ये कभी इन्होंने गाना जिंदगी में सुना भी है या नहीं सुना। गाना प्ले कीजिएगा प्लीज। ये पता है क्या कह रहा है? ये मैं इसकी ट्रांसलेशन कर दूं कि सल्तान आपके लिए उन्हें क्या है? नहीं नहीं सुने 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 कह रहा है, नहीं नहीं क्या हो गया, नहीं सुनो ना, वो कह रहा है सुनो ना यार, बात यार उन्हें तेन इश्क दी अग दा सेक लगे, तेरी रूह विच इश्क समाया होए, तेन यार ते यारी दी कदर होवे, तू ही यार किसे नु बना। चलिए अब हम एक गाना प्ले करेंगे और हाजी साहब आपने उसको गेस करना है और उसके बाद गाना भी है और ये आसान गाना होगा। आसान गाना होगा तो ये गाना प्ले करेगा आपके लिए स्पेशल तोहफा। तो मैंने तो तुझे हमारी तरफ से, मैंने तो अभी गा के सुना नहीं, अब आपने गाना है, स्पेशल तोहफा आपके लिए ईद का, गाना प्ले करेंगे। मुझे गाना नहीं आता, अलबत्ता मैं सुना देता हूँ। चले कोई गाना सुना, चले कोई गाना सुना, चले जी आपसे पूछा गया, आप सुना दें, आप सुना दें, सुना दें आपको इसका एक मिसरा सुना। लोगे रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार। चले हम एक काम करते हैं, गाना प्ले करें, ये गाना सारे मिलके गुनगुनाते हैं, ठीक है? ये गाना प्ले कीजिएगा, गाना प्ले करिएगा नेक्स्ट।
क्या बात है, क्या बात है, गोली मार दो, क्या बात है, क्या बात है। एक चीज साबित हुई कि ये लास्ट बैक पेंसिल्स हैं, बैक पेंसिल्स के इतने नहीं है आपको यहाँ से कितना तो सबने सुनने को मिला है। अब हम आगे चलेंगे, ये सेगमेंट बहुत ही जबरदस्त रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट इंट्रोड्यूस आपसे करवा दूं कि हमने बारबेक्यू की तरफ जाना है, और ये ईद का मौका है, टिक्के ना बने, कबाब ना बने और बारबेक्यू ना हो तो ईद मुकम्मल नहीं होती है। बड़ी ईद नाज़रीन और ईद कुर्बा है, ईद का मौका है और अब हम आपको बारबेक्यू दिखाएंगे कि मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, ये लोग किस तरह ईद मनाते हैं। बारबेक्यू क्या उसी तरीके से अल्लाह गुल्ला होता है या ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से टेबल पे बैठते हैं और इनको वहाँ लेते हैं। और अब ये भी बात साबित हो जाएगी सिर्फ इनकी बीवियां ही पकाती हैं क्या, पकाने की स्किल्स इनमें भी हैं। तो जवानी में बारबेक्यू तो इन सब ने किए होंगे, आउटडोर बारबेक्यू। चलिए अब हम बारबेक्यू करते हैं और ये सब हमें बताएंगे कि इनकी बारबेक्यू स्किल्स कैसी हैं। लो आओ मेरे नाल। बारबेक्यू के लिए पहुंच चुके हैं, अंगीठी लगाई जा चुकी है ऊपर, इस वक्त टिक्के बन रहे हैं, कबाब बन रहे हैं, मदिया मौजूद है लॉर्ड मेयर के साथ और डिप्टी मेयर के साथ इस वक्त। मदिया ओवर टू यू। हम टिक्के बना रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इनकी टिक्का बनाने की स्किल्स जो है वो क्या है, और ये टिक्को की जो बोटी है सवाती तारीख साहब ने तो खाना भी शुरू की है, मलाई बोटी खानी शुरू कर दी है। मलाई बोटी का मैं मसाला चेक कर रहा हूं, मसाला चेक कर रहे हैं जी, मसाला ठीक है। मेयर साहब ने क्या बनाया? मेयर साहब जी, मैं तो कबाब ज्यादा शौक से खाता हूँ, बने भी हैं, खाएंगे भी सही। और आप टेस्ट भी कीजिए। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, कुछ कम है आग जलाए मैं देखें, ये तो बहुत ही सबसे ज्यादा भाई साहब वो साहब है कि पूरी तरीके से ये ले जवाब दिखाए, अपना निजाम सारा ऐसा कर लिया है पूरी तरीके से। मैं साहब, मैं साहब, मैं साहब, मैं साहब, अब आप कैटरी खाते हैं? हाँ जी, इतना तो कैटरी खाती है। अब आपने टिक्के खा लिए, मलाई बोटी खाई है, इधर बाहर हमारे पास टिक्के खाने ने क्यों इतनी जी इन्होंने खाधी है बोटी, बोटी इनी जी खा गए नाज़रीन। ये जो लाइट नोट की गुफ्तगू चलती रहेगी, अब हमने अपने पान के स्टॉल पे जाना है और हम सबने पान भी इंजॉय करने के रुक के पान है। मीठा है, मीठे की बात हमने करनी है, तो अब यहाँ से पान के काउंटर पे चलेंगे, हम पान इंजॉय करेंगे। के बारबेक्यू के मजे हम ले चुके हैं, तमाम लोगों ने यहाँ पे बारबेक्यू हमें बना के भी दिखाया और अब हमने खाया भी है गर्मा गर्म बारबेक्यू, बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और क्योंकि अब हमारी रिवायत है कि हम खाने के बाद कुछ मीठा भी खाते हैं, तो मीठे का एहतमाम यहाँ है जनाब, ये है पान और ये रवायती है। बिल्कुल, बेसिकली तो ये मदिया लखनऊ की रवायत है, लेकिन पिछले कई अरसों से लाहौर में भी ये रवायत अपनाई जा रही है। और ईद हो और कुछ मीठा ना हो तो ये मुमकिन नहीं है, तो इसलिए पान इस वक्त खिलाया जाएगा तमाम लोगों को। पान वाले भाई आपको भी बहुत ईद मुबारक कहते हैं, पान जो है वो खिलाई। और मेयर साहब, ये कहाँ के जो सौगात है ये कहाँ की है? ये देखिए सीपी की ये होती थी इंडिया में, और उसके बाद जब हमें पार्टीशन हुई तो हमारे जो भाई वहाँ से आए वो इस रवायत को साथ लेकर आए, और अब पाकिस्तान में और खास तौर पे लाहौर में ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारी ही बिल्कुल हमारी बन गई। आपसे मेरे साहब पान का आगाज हो रहा है, बाकी ये आप जितने डिप्टी मेरे साहब इंतजार कर रहे हो कि आपकी वजह से पान की बारी नहीं आ रही है। और ये बेसिकली शाही अंदाज है, जिस तरह पान खिलाया जाता है पत्तियां फेंकी जाती है, पत्तियां निशावर की जाती है। ये जो पत्तियां निशावर की जाती हैं ये क्यों की जाती हैं? क्योंकि आपने मुंह में पान भी डाल दिया तो वो खसूस मखसूस अंदाज है, उसमें बता दीजिए।
भैया बुलवा ले ग्रौड़ी खा लिया भाई ग्रौड़ी। ये जी नवाबी तरीका है मदीहा, ठीक है। और ये जो नवाब थे ना वो इतना है था, उनका एक ट्रेडिशन चल रहा है और ये पुरानी रवायत है जिसके ऊपर हमने नवाबी पान वालों को इधर बुलाया मधु किया है और वो वैसे ही गा रहे हैं जैसे वो सारा साल वही अंदाज अपनाया जा रहा है। मदीहा ईद का मौका है, लाहौरियों को एक मरतबा फिर हमारी जानिब से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। ईद कुर्बा है, ईद इसार है, ईद पे खुशियों की हमने मदीहा बात की, लेकिन इस ईद का जो मैसेज है, इस ईद का जो मकसद है, कुर्बानी में दूसरों को भी याद रखें, जो साहिब हैसियत नहीं है उनको भी याद रखें, ये तकलीफ दुख में उनको भी याद रखें। मैंने बात करनी है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे आप क्लोजिंग करते हैं वो पान खाएंगे और हम क्लोजिंग जाएंगे। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आज की टॉप स्टोरी ईद स्पेशल से तमाम मेहमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।